नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए दो सरकारी भर्तियां आई हुई हैं, दो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया से पूर्व सैनिक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जेसीओ ओआर मेडिकल ग्राउंड से पूर्व सैनिक हो या नॉन मेडिकल ग्राउंड से हो, क्लरिकल ग्राउंड से हैं या नॉन क्लरिकल ग्राउंड से हो, अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। पहला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, एम्स पटना, और दूसरा है एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इन दोनों संस्थाओं में पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी है, रिजर्व वैकेंसी है। स्टार्ट करते हैं एम्स पटना से। अब इसमें जो वैकेंसी है पूर्व सैनिकों के लिए, यह बहुत सारे कैटेगरी में है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एमटीएस, क्लर्क, स्टोर होल्डर, इसके अलावा असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जेसीओ हो, सबके लिए मौका है। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लें और वहां से चेक कर लें। इसमें देखिए डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स यानी नॉर्मल एक मैट्रिकुलेट एक सर्विसमैन भी हैं तो भी उनके लिए यहाँ पे मौका मिला है। इलेक्ट्रीशियन है तो भी है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रीशियन के भी मौका है। उसके बाद अगर मान लीजिए अगर पूर्व सैनिक है और अगर जेसीओ है तो जेसीओ में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए है। इसके अलावा एक्स सीएपीएफ है यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से भी पैरामिलिट्री के भी जवान है तो वहां भी उनको उनको इस मौका मिला है एम्स पटना में। ऑल इंडिया से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका नोटिफिकेशन है, वह शेयर कर दिया जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए असिस्टेंट लॉन्ड्री ऑफिसर है, सुपरवाइजर है, यहाँ भी एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी है। यह अगर 12वीं पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा फायर जमादार है यानी फायर मैन समझ सकते हैं इसको, इसमें एक सर्विसमैन का रिजर्व पोस्ट है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देख के आप खुद चेक कर लें। नेक्स्ट है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में ऑल इंडिया से पूर्व सैनिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो वैकेंसी है वह क्लरिकल पोस्ट के लिए है, अगर क्लर्क ट्रेड से है एक सर्विसमैन या नॉन क्लरिकल ट्रेड से भी है और उनको टाइपिंग का ज्ञान है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था दो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स। एनसीईआरटी के लिए लास्ट डेट है 19 मई 2023, एम्स पटना के लिए 6 मई 2023 से एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज थे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।